सबसे पहले मंच पर आसीन देश के एक प्रगतिशील माननीय कैबिनेट मंत्री जी नितिन गडकरी साहब, वो यहाँ पर आज अमृतसर की पवित्र धरती पर आए हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, हमारे एनआरआई अफेयर्स के मिनिस्टर कुलदीप धालीवाल जी, जिनका ये हल्का भी है, हमारे मेरे साथ पार्लियामेंट में मेरे कोलीग रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमृतसर साहब से औजला साहब, और जितने भी आज मीडिया वाले सज्जन आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी का दिन है। मैं सुन रहा था गडकरी साहब को, पार्लियामेंट में भी बहुत सुना है, जब बोलते हैं तो असर रखती है बात, दिल से बोलते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी, इन्होंने हाथ में कागज तो ले रखे थे लेकिन कागज पढ़ नहीं रहे थे। इनको ऐसे ऐसे याद है चीजें, इससे इनकी डेडिकेशन, इनकी अपने मंत्रालय के प्रति और देश की एक एक सड़क शायद इनको याद है कहाँ से कहाँ तक बननी है, कहाँ बनानी है। ये तभी हो सकता है जब मिनिस्टर जो हैं, मंत्री जो हैं, वो खुद इंटरेस्ट लेते हो। आमतौर पे ये चीज़ें जो इन्होंने आज बोल के बताई हैं, आमतौर पे ये टीवी पर, स्क्रीन पर दिखा दी जाती हैं, अफसरों द्वारा बनाई जाती है। तो ये बहुत खास बात है। हम पहले भी जब पार्लियामेंट में थे, जब ये बोलते थे तब भी सिर्फ पॉइंट्स लिख के लाते थे और जितना मर्जी इनके दिल में था जो वो बोलते थे। पंजाब के बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं आज इन्होंने अनाउंस भी किए हैं। पहले हमारे पास सिर्फ NH1 होता था सर, जो दिल्ली से अंबाला होते हुए लुधियाना, जलंधर, अमृतसर तक आता था, तो सारी इंडस्ट्री उसी के आस पास ही होती थी। और अब हमारे पास लगभग हर 30 या 40 किलोमीटर के रेडियस में एक NH नेशनल हाईवे हमारे पास आ गए हैं। अभी दिल्ली कड्डा बन जाएगा, एक और बढ़ जाएगा। हमारे पास लुधियाना से नरवाना जींद है, और उसके बाद हमारे पास अभी जामनगर वाला आपने किया, बठिंडा टू जीरकपुर है, और अभी जो आज इन्होंने जिक्र भी किया, लुधियाना से साउथर्न जो बाईपास है वहां से हलवारा होते हुए सीधा सहना पदौड़, 1.25 घंटा सहना पदौड़ बाजाखाना जैतों जो है, 1.25 घंटा उनका लुधियाना जाने का रास्ता कम हो जाएगा। पहले बरनाला जाते हैं, बरनाला से फिर संगेड़ा जाते हैं, रायकोट जाते हैं, फिर मुल्लांपुर दाखा से, लेकिन ये सीधा आएगा। और उसके लिए हम नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के साथ अक्सर हमारी हफ्ते में एक आध मीटिंग तो हमारी हो ही जाती है। जहां तक दिल्ली कड्डा एक्सप्रेस की बात है, तरन तारण, गुरदासपुर और लुधियाना में छोटे 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 पॉकेट हैं, यहाँ पे थोड़ा काम पोजेशन का रहता है। हम किसानों से बात कर रहे हैं वहां भी, और काम नहीं हम रुक रहे थे, काम चल रहा है। और इंडस्ट्री भी अब हमारे पास इसीलिए ज्यादा इंडस्ट्री आ रही है, क्योंकि सर नेशनल कैपिटल से सिर्फ 2-2.5 घंटे की दूरी पर हैं हम, बाय रोड, बाय एयर। तो यहाँ से आप अगर वो दे दोगे हमें 600 किलोमीटर वाली जो कैप्सूल आपने दिखाया है, अगर वो मिल जाएगा हमें तो हम बाय एयर, और उसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, कि हमारा रास्ता 35 मिनट का ही है, यहाँ से भी 35-40 मिनट दिल्ली है और मोहाली से भी 35-40 मिनट ही दिल्ली है। बुलेट ट्रेन की, बुलेट बस है वो, तो बुलेट की तरह 600 किलोमीटर की स्पीड पे तो आमतौर पे एरोप्लेन चलते हैं। 4 सर हमारे पास बड़े एयरपोर्ट हो गए, मोहाली, हलवारा और आदमपुर, अमृतसर साहब, और पठानकोट पहले से चल रहा है सर, और बठिंडा भी अब दिल्ली बठिंडा शुरू हो गई है फ्लाइट्स। तो प्रोजेक्ट्स के बारे में जो हमारी तरफ से सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि हमारा ही काम है असल में ये। जब भी इनके पास हम समय लेके जाते हैं
तो जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा पाते हैं कि ये भी करवा लो, ये भी करवा लो। आज मुझे जब तक यहाँ मैंने इनका स्वागत किया तब तक मुझे मेरे दिमाग में जो स्क्रीन पे चल रहा है ये नहीं था। मैं इनको एक पोल्यूशन कम करने की एक आइडिया बता रहा था कि मैं अमृतसर में जी 100 बसेस शटल बसेस शुरू करना चाहता हूँ, दरबार साहब से एयरपोर्ट से बाघा बॉर्डर, दुर्गाना मंदिर से बस स्टैंड, ऐसे। तो इन्होंने कहा बसेस शुरू मत करना, अभी मैं आपको वो स्काई ट्रांसपोर्ट दे रहा हूँ जो अमृतसर से शुरू करेंगे। तो मैं मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि ये हमारे अमृतसर साहब में इतना बड़ा पवित्र धरती है सर, यहाँ से तो जो कुछ मांग लो वो परमात्मा पूरा करता है। तो ये जो चीज़ चल रही है ये स्क्रीन पर, तो ये चीज़ अगर हमारे अमृतसर साहब में आएगी, 1 लाख से ज़्यादा फुटफॉल है सर हर रोज। और जहाँ पे अभी जाएंगे आप रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए बाघा बॉर्डर पे, सर सैटरडे संडे को 30,000 फुटफॉल है सर, पूरा स्टेडियम बना हुआ है क्रिकेट मैच, और मोहाली वाले क्रिकेट स्टेडियम की हमारी 25,000 की कैपेसिटी है। तो सैटरडे संडे फुल होता है। और मैं ये चाहता हूं कि अमृतसर साहब में ऐसी चीजें, जैसा ब्रिज बोल रहे हैं कि उस ब्रिज के ऊपर हमारी संस्कृति गुरु नानक साहब से शुरू होकर कैसे कैसे पंजाब, कैसे कैसे हमारे जितने भी गुरु हुए, देवी देवते, पीर फकीर, सबका हम जो है पंजाब की एक वहाँ पे म्यूजियम आप बनाना चाहते हैं। ऐसा इन्होंने बना चुके हैं ऑलरेडी, एक तजर्बा सफल कर चुके हैं, वो भी वेलकम है। और सर एक दो मेरे छोटे छोटे काम हैं आपके लिए, तो बहुत ही छोटे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था आज का आपका सारा जो बात सुन के मैं आपको कौन सा मंत्री कहूँ। आप पानी के बारे में भी बहुत अच्छा बोल गए, आप किसानी के बारे में भी बहुत अच्छा बोल गए, जवानी के बारे में भी बहुत अच्छा बोल गए। तो मैं कहता हूँ कि आपको जो एक्सपीरियंस है उसका हम फायदा इस्तेमाल उठाना चाहेंगे सर। भवानीगढ़ ब्रिज है सर, ये बठिंडा जीरकपुर हाईवे पे है, तो ये 2.50 2.5 किलोमीटर है सर। तो ये ब्रिज, ओवर ब्रिज बनेगा सर, एक ही शहर रह गया बठिंडा जीरकपुर से जब जाएं तो, बाकी तो सारे ओवर ब्रिज हैं, एक ही शहर है भवानीगढ़ जहां बहुत ट्रैफिक है, वो एक ब्रिज मैं चाहता हूं कि आप एक फोर्थ लेग में सर हमारा अमृतसर तरन तारण रोड पे वो ओल्ड जो NH 54 है उस पे सर जो है एक वो रोड सेक्शन जो है वो एलिवेटेड रोटरी अमृतसर तरन तारण की स्टेट की, हाँ जी सर नेशनल पे ही है सर सारे सर, हाँ जी स्टेट वाले भी दे देंगे। सो सर ये अमृतसर खेमकरन हाईवे जो है वो भी NH 354 पे है सर, तो अमृतसर रेलवे सेक्शन। तो एक हमारा सर वो आपने अनाउंस कर ही दिया जो पेट्रोल डीजल का हमारा सेस होता है जी CRIF सर, वैसे तो 170 करोड़ है सर सच बताऊं, लेकिन 200 करोड़ आप कर दो सर, मैं 250 नहीं मांगूंगा, 200 करोड़ पे हमारा वो 250 कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी जाते हैं जितना सोच के जाते हैं उससे ज्यादा पाते हैं, तो 250 करोड़ रुपया हमारा वो जो है, तीनों ब्रिज जो हम इनको लिख के देंगे वो भी हो जाएंगे। मैं जब एज एन आर्टिस्ट विदेशों में शो करने जाता था तो बर्मिंगम में, लॉस एंजलिस में और एक सैन फ्रांसिस्को में, वो बहुत जो उनको जंक्शन जो थे उन जंक्शन का नाम पंजाबियों ने सेविया जंक्शन रखा हुआ, सेविया जंक्शन। मैंने कहा सेविया जंक्शन क्या होता है, जैसे हम एक कटोरी में सेविया डालते हैं ऐसे, पता नहीं कहां से किधर से कोई सड़क किधर निकल के जाती है। तो ये सेविया जंक्शन जो है ये पंजाब में आने वाले दिनों में जो हम जो हमें प्रोत्साहन मिला है मंत्री साहब से कि ऐसे जंक्शन बहुत होंगे और फूड पॉइंट बनेंगे, रेस्ट एरिया बनेंगे, किसान अगर उसको जमीन का पैसा तो मिलेगा ही, अगर उसकी हाईवे उसकी जमीन में से जाएगा वहां फूड कोर्ट बनेगा, दुकान
जा उनका उनके बेटे को कोई किसी फ्रेंचाइज मिल जाएगी और बहुत बिजनेस बढ़ने वाला है और साथ में इंडस्ट्री भी आएगी। तो मैं ये बहुत बहुत इस बात का मैं आभारी हूँ मंत्री साहब का। और आज देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो लहराने के लिए अमृतसर इन्होंने चुना है। और सर हम जो है पंजाब के लोग हैं, हमारे जो पुरखे थे सर वो उनको जो लूटने के लिए आते थे दिल्ली को जो लोग उधर से, तो उनके साथ दो बार झगड़ा करना पड़ता था, दो बार लड़ाई करनी पड़ती, एक बार जाते हुए जब दिल्ली लूटने जाते थे, एक बार दिल्ली लूट के जब वापस आते थे। तो हम उनका पैसा लूट के गरीबों में बांटते हैं सारे पुरखे जो हैं। तो हम लोग हॉस्पिटैलिटी में नंबर वन है पंजाबी, और पंजाबी गाना पंजाबी खाना वैसी फेमस है और ग्लोबल सिटीजन है सर। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे पंजाबी आपको मिल जाएंगे और सक्सेसफुल पंजाबी मिल जाएंगे। अगर हमारे यहाँ सड़कों का जाल आप जिस तरीके का बिछा रहे हो और हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, हमारे उधर से NRI जो है वो तो मैं वही कर रहा हूँ सर, तो हमें अच्छा मिल जाएगा माहौल। और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और अगली बार मैं जो आपने खेती के बारे में जो आप प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं पराली के बारे में, मैं आपके पास डिटेल में लेके आऊंगा जो हम कर सकते हैं, आप उसमें कितना सुधार कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं एक बार फिर सभी पत्रकार बंधुओं का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सवाल कोई अगर सवाल के लिए टाइम नहीं है, मैं लेट हो गया। नो प्लीज सॉरी वो पिन बता दो जल्दी सर, मुझे 3:50 को पहुंचना, बाद में CM साहब से बात कर लेना। और एक वीडियो के लिए अब मैं आग्रह करती हूँ, एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान केंद्रित करें स्क्रीन की तरफ, आपके दाएं और बाईं तरफ। और आइए अब हम एक ऑडियो विजुअल देखेंगे और सभी शांतिपूर्वक तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन होगा। सभी अपने स्थान पर बने रहें। और मैं आग्रह करती हूँ